बुक चैप्टर 5 है ना, साइंस बुक चैप्टर 5 मैंने क्वेश्चन नंबर ए टेक द करेक्ट आंसर है ना, तो ये मैंने बता दिया था, मैचिंग भी करवा दिया था है ना। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी और डी है ना। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुइटेबल वर्ड्स। तो यहाँ तीन फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ तीन ऑप्शन है, यहाँ से हम छांट के यहाँ लिखेंगे जो सही आंसर है, यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे है ना। देखिए बच्चे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 सी का, वी नीड ए डैश टू लिव इन। हम कहाँ बास करते हैं, हम कहाँ रहने के लिए, हम क्या चाहिए, हम रहने के लिए क्या चाहिए, नीड जरूरत है। तो यहाँ देखो बच्चे लिखा है किचन हाउस बेडरूम, तो हम लिखेंगे हाउस क्योंकि ना हम रहने के लिए घर जरूरत है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे वी नीड ए हाउस टू लिव इन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वी टेक रेस्ट इन डैश। हम कहाँ रेस्ट लेते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रेस्ट लेते हैं, बेडरूम, क्या बेडरूम है ना, ये है देखो बेडरूम, तो हम यहाँ लिखेंगे बेडरूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी कुक फूड इन द किचन। यहाँ है किचन, किचन हम खाना कहाँ, मम्मी बनाती है, कहाँ खाना बनता है, किचन में, कहाँ किचन में, यहाँ से सही आंसर यहाँ छान के लिखना है ना बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, टू व्हिच रूम शुड वी गो नेम देम। जहाँ हम जो काम करते हैं उसको कौन सा रूम हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डी का क्वेश्चन नंबर 1, वी आर टायर्ड एंड स्लीप। तो हम जब टायर्ड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कहाँ रेस्ट लेते हैं और कहाँ सोते हैं, उसको कौन सा रूम हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेडरूम, क्या बोलते हैं, बेडरूम, यहाँ लिखना बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम है ना, लिखना बच्चों। उसके बाद लिखना नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वी आर हंग्री। हमें जब भूख लगता है तब हम कहाँ जाते हैं, जब भूख लगता है, हंग्री मीन भूख लगना है ना, भूखा, तो जब हम भूख लगता है हम कहाँ जाते हैं बच्चे, डाइनिंग रूम में, कहाँ डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम में खाना मिलता है, खाते हैं है ना, DINING, डाइनिंग रूम, ROOM, डाइनिंग रूम, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव ए गेस्ट एट होम। होम मीन्स घर, गेस्ट मीन्स मेहमान, जब हमारा घर में मेहमान आते हैं तब हम कौन सा रूम में बैठाते हैं, ड्राइंग रूम, क्या ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, ड्राइंग रूम, जब गेस्ट आते हैं हम कहाँ बैठाते हैं, ड्राइंग रूम में है ना, लिखना आंसर ड्राइंग रूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वी वेंट टू टेक बाथ। हम कहाँ, बाथ में से नहाना, हम जहाँ नहाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा रूम में हम नहाते हैं, बाथरूम, कहाँ नहाते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं, BATHROOM, बाथरूम, ठीक है, हम बाथरूम में नहाते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज योर लंच टाइम। हमारा लंच टाइम, हम कितना बजे लंच करते हैं, हमारा लंच टाइम कितना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लंच टाइम हमारा 12 बजे है ना, हम कितना बजे लंच करते हैं, लंच टाइम, हाँ लंच टाइम 12 AM, ठीक है, कितने बजे हम लंच करते हैं बच्चे, कितने बजे, देखो इट इज योर लंच टाइम, हमारा लंच टाइम हम लिखेंगे 12 AM, ठीक है बच्चों, हाँ आया समझ में, हाँ
बिना घर के हम रह नहीं पाएंगे, है ना। वी टेक रेस्ट इन, हम रेस्ट कहाँ लेते हैं, बेडरूम, कहाँ, बेडरूम, है ना। वी कुक फूड इन द किचन, हम कहाँ खाना बनाते हैं, खाना जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं, किचन कहते हैं, क्या है, किचन, हो गया। उसके बाद नंबर डी का क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन, यू आर टायर्ड एंड स्लीप, हम कहाँ थक जाते हैं जब, कहाँ रेस्ट लेते हैं और कहाँ सोते हैं, उसको क्या कहेंगे, बेडरूम, क्या, बेडरूम में हम रेस्ट लेते हैं और सोते हैं। यू आर हंग्री, जब हम भूख लगता है हम कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम पे, कहाँ, डाइनिंग रूम, खाना खाने के लिए, है ना। वी हैव ए गेस्ट एट होम, जब मेहमान आते हैं हम कहाँ बैठाते हैं, ड्रॉइंग रूम में, कहाँ, ड्रॉइंग रूम में। वी वेंट टू टेक बाथ, हम कहाँ नहाते हैं, बाथरूम, कहाँ, बाथरूम में। इट इज योर लंच टाइम, हमारा लंच टाइम, तुम्हारा लंच टाइम कितना, हम लिखेंगे 12 AM, ठीक है। कोई भी बच्चा 11 लिखेगा, कोई 1 बजे लिखेगा, ठीक है, जिसका टाइम जितना है वो लिखना, 12 AM। अब समझ में आया बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है।